फेस्टिव सीजन को पूरे साल भर से तुलना करना गलत बात। अभी भी रिटेल डिमांड में है बढ़ोतरी का इंतजार, ऑटो इंडस्ट्री को अभी भी है मदद की जरूरत। तो क्या है ये मामला, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, राजीव बजाज जो बजाज ग्रुप के MD हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिटेल सेक्टर को अभी भी मदद की सख्त ज़रूरत है। तो क्या है ये सारा माजरा, इसी पर डिस्कशन करेंगे आज हम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जागरण के इस नए संस्करण में, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी सबसे पहले, सिर्फ और सिर्फ प्रभात जागरण। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये संस्करण। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक MD राजीव बजाज के, जिन्होंने एक महीने की सेल को लेकर जो उत्साह दिखाया है, जो बात कही है, वो बहुत चौंकाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया है कि हमारा इकोनॉमी फिर से पटरी पर लौट रहा है। बिल्कुल सही बात है, हमें यही मालूम चल रहा है जैसा हमारे को दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध जस्ट राजीव बजाज ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने यह बात कही है कि एक महीने की सेल को देखकर आप पूरे साल भर को कैलकुलेट मत कीजिए, अभी भी रिटेल सेक्टर को मदद की सख्त है जरूरत। तो यही सारा मुद्दे को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग यह सब्जेक्ट आज हमारा होने वाला है। GST कलेक्शन और ऑटो सेक्टर की बढ़ोतरी के आंकड़े को दिखाकर यह कहा जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट गई है। इंडिया टुडे के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान में राजीव बजाज ने, जो बजाज ग्रुप के MD हैं, उन्होंने यह बात कही कि अभी यह कैलकुलेशन कर पाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक महीने की सेल को देखकर पूरे साल भर का इंतजार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अभी भी हमारे को रियल इस्टेट सेक्टर को अभी भी आवश्यकता है सरकार के मदद की। राजीव बजाज ने कहा कि अप्रैल मई महीने में वाहनों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई, और खासकर टू व्हीलर की बात की जाए तो बिल्कुल ही नहीं। तो अब जब धीरे धीरे टू व्हीलर की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में लेकिन अभी के हालात को पिछले साल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जुलाई से अगले साल मार्च तक के आंकड़े को देखने के बाद तभी जाके कुछ नतीजा निकाला जा सकता है, तभी जाके कुछ इस पर विचार हो पाएगा। उन्होंने साथ ही साथ यह बात भी कही कि अभी चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इतने समय के बाद बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि महीनों इंतजार करते हैं इस फेस्टिव सीजन का, जिसमें टू व्हीलर की डिमांड बढ़ी है। तो इस तरीके से अभी के आंकड़े को ध्यान में रखकर पूरे साल भर के का कैलकुलेशन करना अभी जल्दबाजी होगी, उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बजाज ऑटो के MD की बात मानी जाए दोस्तों, तो उन्होंने यह कहा कि कोरोना दौरान में टू व्हीलर इंडस्ट्री को बहुत गंभीर और गहरा झटका पहुंचा, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने इस इंडस्ट्री को किसी तरह का कोई मदद नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान में दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर भी इस गंभीर बीमारी का असर देखने को मिला, बावजूद उसके वहां की सरकारों ने उस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन वहीं बावजूद उसके अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में इस तरीके की सरकार से अपेक्षा सभी इंडस्ट्री ने लगा के रखी थी, बावजूद उसके उन्हें किसी तरीके का कोई मदद नहीं मिल पाया, और अभी लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट के लिए। वो उम्मीद अभी भी बना के रखे हुए हैं सरकार से कि उन्हें रियल स्टेट सेक्टर में अभी भी सरकार की मदद की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि टू व्हीलर इंडस्ट्री को एक बार फिर से खड़ा किया जा रहा है,
क्योंकि लॉकडाउन के दौरान में इस इंडस्ट्री का सप्लाई चेन बिल्कुल खराब हो चुका था, बिल्कुल बाधित हो चुका था। साथ ही साथ इंडिया चाइना के बीच में हुआ विवाद की वजह से और भी ज्यादा संकट पहुंचा। अब चूंकि टू व्हीलर का जो टायर होता है उसकी सबसे ज्यादा खेप चाइना से ही इंडिया में आती है, इस वजह से इसमें सप्लाई चेन को सुधारने में काफी वक्त लगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ऑटो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बुरा असर टू व्हीलर इंडस्ट्री पर ही पड़ा है, क्योंकि अभी इस साल इस महीने में टू व्हीलर की डिमांड ग्रामीण सेक्टर में बढ़ी है। बावजूद उसके पिछले साल की कंपेयर किया जाए तो ग्राफ के हिसाब से अभी भी इसमें बढ़ोतरी की बहुत सारी गुंजाइश है। कुछ चैनलों पर बजाज ग्रुप का विज्ञापन नहीं दिए जाने के सवाल पर भी उन्होंने बताया कि जो गलत हो रहा है उसे रोकने के लिए हमने एक कोशिश की है और यह फैसला बजाज ग्रुप ने संयुक्त रूप से लिया है। तो ये सारी बातें राहुल बजाज ने अपने तरफ से रखी। ऑटो इंडस्ट्री की क्या परेशानियां थी उसको लेकर उन्होंने क्लियर कट बात अपनी सामने रखी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। इससे मेरी अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रभात जागरण पर। तो मिलते हैं अगले संस्करण में एक नए तरोताजा खबर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।